الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إني جائل في الأرض خليفة نحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العلي العظيم। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों दोस्तों, अल्लाह जल्ले जलालहु ने इरादा फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाए और ज़मीन पर उतारा जाए, अपना नायब बनाकर, अपना खलीफा बनाकर ज़मीन पर उतारा जाए ताकि वो दुनिया में जाकर मेरी पहचान कराए और मखलूकात का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ने की भरपूर कोशिश करे। कुव्वत यकीन जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल था, उसी यकीन की बुनियाद पर, उसी ईमान की बुनियाद पर, उसी मुशाहदे की बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आकर लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात से तारुफ़ कराया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने काफ़ी अरसा तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को तश्कील देकर और नज़र रहमत फरमाते रहे और साथ ही इंसान के सीने में अल्लाह ताला ने लताइफ़ रखे। ये पांच लताइफ़ इंसान के सीने में, लतीफ़ कल्ब, लतीफ़ रूह, लतीफ़ सिर, लतीफ़ खफ़ी, लतीफ़ अख़फ़ा और लतीफ़ नफ्स माथे पे सुल्तानुल अज़कार वस्ते दिमाग, गोया के सारा वजूद जो है रूहानी अल्लाह ताला ने तश्कील फरमा दिया और जैसे ही रूह डाली तो वो तमाम लताइफ रूह के साथ मुंसलिक हो गए और ये गोया के सात रूहानी मराकज इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कायम फरमा दिए। अब वो पूरा वजूद अल्लाह ताला की इल्म व हिकमत और मार्फत से मुनवर और रोशन हो गया। कुव्वत मुशाहदा और कुव्वत यकीन तो अल्लाह ताला को देखकर और जन्नत में रहकर उन्हें वैसे ही हासिल था और यहाँ दुनिया में आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी कुव्वत यकीन और ईमान और मुशाहदे को सामने रख कर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया कि ऐ लोगों, हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह जल्ले जलालहु ने इस दुनिया की सारी नेमतें, सारी की सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, पूरी दुनिया और कायनात बनाई है और हमारे लिए बनाई है, हमारे नफ़े के लिए बनाई है। चुनाचे सूरज हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने बनाया कि उसकी रोशनी से इंसान फ़ायदा उठाता है, जब गर्मी की ज़रूरत होती है गर्मी उसे हासिल होती है, जब फलों में रस, चांद की रोशनी अल्लाह ताला ने फलों में रस डालने के लिए और फलों को जायकादार बनाने के लिए ये रोशनी काम आती है, रास्ता दिखाने के लिए रात की तारीकी ख़त्म की और चांद और सितारे अल्लाह ने पैदा फरमा दिए, रास्तों के तायुन के लिए भी ये सितारे अपना काम करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, तमाम जानदार जितने भी हैं वो सारे के सारे और तमाम दुनिया,
तमाम कायनात सब इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। सखर लकुम माफिस समावात वलर्द, अल्लाह फरमाते कि मैंने सारी की सारी ज़मीन आसमानों को तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया। तो मेरे भाई दोस्तों, आज इंसान चाँद पर जा रहा है, मरीख पर जा रहा है, मुख्तलिफ सैारों पर जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि सूरज पर भी वो पहुँचे। तो ये सखर लकुम माफिस समावात वलर्द, इसमें ये अल्लाह ताला ने खुशखबरी अता फरमा दी कि मोमिन को के अंदर हमने ऐसी सिफात रख दी हैं कि वो उनका इस्तेमाल करते हुए इस ज़मीन की कशिश से भी बाहर निकल सकता है। मेरे भाइयों, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, इन्हीं लताइफ के ज़रिए से अल्लाह ताला इंसान से राबता करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात का ताल्लुक ईमान, यकीन, तवक्कुल और रूहानी उलूम मारिफ जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने रखे हैं, उनको खुराक अल्लाह पहुंचाते हैं और उनको तरोताज़ा रखते हैं, ताकि इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात का ताल्लुक जोड़ते हुए उससे मोहब्बत और उसकी मारफत हासिल करते हुए अल्लाह ताला की बंदगी जो मकसूद है हयात है सही मानों में करते हुए इस दुनिया से वो आ जाएं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये वो सात लताइफ हैं जो इंसान के वजूद के अंदर इंसान की रूह के नुमाइंदा हैं। जो भी अनवरात तजलियात अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आते हैं वो इन्हीं लताइफ के ज़रिए से आते हैं, और पूरा बात इंसान का बातनी निज़ाम वो सारा का सारा रूहानी कंप्यूटर इसी से फ़ाल होता है, इसी से एक्टिव होता है, और इसी के ज़रिए से अल्लाह ताला उसके अंदर रूहानी क़ुव्वतें पैदा फरमा देते हैं जो औलिया कराम को अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं, और औलिया कराम उन करामात को, उन उलूम मारिफ को दुनिया और मखलूकात की मखलूकात के नफ़े के लिए, उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिदायत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, उससे मोहब्बत और मारफत पैदा कराने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपनी ज़ाती किसी ख्वाहिश और किसी गर्ज के लिए। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों दोस्तों, ये तमाम के तमाम जो लताइफ हैं इनकी मिसाल ऐसे है जैसे मोबाइल के अंदर इंसान चिप लगाता है, सिम लगाता है, और वो सिम आगे किसी और मरकज़ से जाकर उसका राबता और ताल्लुक होता है, और वो राबता इंसान के दूसरे मोबाइल से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही उसका नंबर उसको उस सिम के ज़रिए से मिलाया जाता है तो दूसरी तरफ वो सिम अपना काम करती है, और वो बंदा जिसको जिससे बात की जा रही है वो उन जो रोशनियां हैं, जो नज़र ना आने वाली वेव्स हैं, उनको वो मोबाइल कैच करता है, और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, उसकी तस्वीर भी नज़र आती है, उसकी वीडियो भी नज़र आती है, और उसका घर का सारा माहौल नज़र आता है, उन सब से मुलाकातें हो जाती हैं, जिस माहौल में खड़ा होता है वो सारा माहौल नज़र आने लगता है। हालांकि ये सारा कुछ हो रहा है मगर किसी को नज़र नहीं आता, इसलिए कि ये रोशनियाँ हालांकि किसी न किसी हद तक मादी हैं, लेकिन मादी होने के बावजूद भी ये नज़र नहीं आती, ये रोशनियाँ नज़र नहीं आती। मेरे वाजिबुल एहतराम भाई दोस्तों, अल्लाह ताला का नूर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लतीफ़ है, और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के अनवार इंतहाई लतीफ़ हैं, वो इन आँखों से नज़र नहीं आते। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु अक्रबु इलेह बिन हबलिल वरीद,
हम तुम्हारी शारख से भी ज़्यादा करीब हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात अपनी सिफात के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात अपनी सिफात के साथ इस कायनात में कार फरमा हैं, बंदे के साथ भी हैं, और बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहिदा इसीलिए नहीं हो पाता कि वो इस आँख से काम नहीं ले सकता, कि इस आँख में वो सलाहियत ही नहीं है। हाँ, इंसान के कल्ब की आँख खुल जाए, इसके बातनी हवास, रूहानी हवास खुल जाएँ, तो फिर अल्लाह ताला का नूर इसके अंदर वदियत करता है। जैसे आँख में रोशनी से आँख के अंदर रोशनी होती है, और बाहर की रोशनी से जैसे ही वो ताल्लुक़ जुड़ता है तो तमाम चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं। ऐसे ही जब इंसान के कल्ब के अंदर अल्लाह के नूर की रोशनी आती है, उसकी रूह रोशन मुनव्वर होती है, तो फिर फरिश्ते भी नज़र आने लगते हैं, अरवाह भी नज़र आती हैं, अल्लाह ताला का अर्श अज़ीम भी नज़र आता है, और अल्लाह चाहें तो अल्लाह ताला अपना मुशाहिदा भी करा देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब भी नसीब होता है, और आपका मुशाहिदा मुबारक जागती आँखों से भी हो सकता है। हमारे मुर्शिद हज़रत मौलाना सुल्तानुल औलिया हज़रत मौलाना अब्दुल हय साहब बहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने उनको ये दोनों मकाम अता फरमाए हुए थे, मुशाहिदा इलाही आला दर्जे का, और मुशाहिदा नबी अलैहिस्सलाम जागते हुए में भी अल्लाह ने उनको नसीब फरमाया हुआ था। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी की सारी जितने अल्लाह ताला की ज़ात के अनवारात, तजल्लियात, फ़ीज़ात, बरकात हैं, वो सारे के सारे इन्हीं लताइफ़ के ज़रिए से इंसान की रूह को, इंसान के तमाम बातिन को, दिल और दिमाग, वो कहते हैं कि दिल दिमाग इतना वसी वसत है इसके अंदर, कि हदीसों में आता है कि हदीस कुर्सी में आता है कि ना मैं ज़मीनों में समा सकता हूँ ना आसमानों में, फ़कत मगर फ़कत मोमिन के दिल में समा सकता हूँ। इसकी वसत का अंदाज़ा तो यहाँ से लगाइए। तो इसी तरह से इंसान का जो दिमाग है, साइंसदान कहते हैं कि अभी 10% सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। मेरे भाई दोस्तों, ये 10% का जो दिमाग का इस्तेमाल है, आज हम देख लें कि इंसान हज़ारों मन टन जो है ना, बड़े बड़े बोइंग, बड़े बड़े जहाज़ों को हवा में लिए उड़ रहा होता है। सारी मखलूक 200, 500, 400 जितने भी उसके अंदर गुंजाइश होती है, उन सब को लेकर हवा में उड़ रहा होता है। एक जादुई किस्म की चीज़ नज़र आती है कि ये क्या है, कि इतने हवा के अंदर ना सहारा है ना कुछ है, और वो उसको उड़ाए हुए जा रहा है। तो मेरे भाई दोस्तों, अपनी अकल और समझ को इस्तेमाल करते हुए हम ये समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने इंसानी वजूद में दिल और दिमाग ऐसी नेमतें रखी हैं कि दिल के ख़जाने, दिल की वसत भी बेशुमार, जो अल्लाह बेहतर जानते हैं, और दिमाग की वसत भी बहुत ज़्यादा है, इसको हम अभी इस्तेमाल ही नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने अपने महबूब और अपने कामिलीन आरिफीन बंदों को ये दिल और दिमाग की ये कुव्वतों का बहुत ज़्यादा हिस्सा, बहुत ज़्यादा हिस्सा उनको उनके इल्म में और उनकी उलूम और मारिफ में, आगाही में उनको अता फरमाते हैं, उसकी आगाही अता फरमाते हैं, और वो उनसे काम लेते हैं। अल्लाह ताला उन पर इकराम की बारिश फरमाते हैं, अपने औलिया कराम पर इकराम की बारिश फरमाते हैं, और उनको उनसे इतनी बेइंतहा, यानी अल्लाह ताला 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं बंदे से। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला का बन जाता है, अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है, आरिफ बन जाता है, तो अल्लाह ताला की इनायतों की हर वक्त उस पर बारिश होती है, और वो अंदर अपने रूहानी अंदाज़ में देख रहा होता है कि अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। बाहर वाला बंदा वो यही समझता है कि ये हमारी तरह से आम आदमी है और अपने खा रहा है, पी रहा है, कारोबार कर रहा है। लेकिन मेरे भाई दोस्तों,
ये इंसान के अंदर सात लताएँ ब्लूटूथ की तरह हैं, तो फौरन मुंतकिल होता है। भाई ब्लूटूथ का काम ये होता है कि एक फ़ाइल को दूसरी फाइल की तरफ भेज देना, यानी शेयरिंग करना, एक फाइल से को दूसरे किसी सेट में, दूसरे किसी सिस्टम में भेजना, ये ब्लूटूथ का काम होता है। इसी तरह से ये जो लताइफ हैं, अल्लाह ताला के अनवारात और तजल्लियात को इंसान की रूह के अंदर मुंतकिल करते हैं और उनसे वो जो अता फरमाते हैं उससे इंसान की खिलाफत का मंशा पूरा होता है और अल्लाह ताला उससे नियाबत का काम इस दुनिया में लेते हैं। अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारफत कामिल दर्जे में अता फरमाए। आमीन।